हेलो जसवी इंग्लिश क्लासेस गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, अब तक जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे वो थोड़ा हलवा क्वेश्चन मैं आपको दे रही थी, लेकिन आज से जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का वो थोड़ा अप हो गया है। ठीक है, अब आप देखना इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको क्लासेस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और लेवल्ड क्वेश्चन होंगे और जो उम्दा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। पहले भी क्वेश्चन ऐसा नहीं थे कि वो बेकार थे, लेकिन थोड़ा लेवल उनका इतना हाई नहीं था। इनका हाई अभी मैंने इनका भी नहीं किया है ना, लेकिन लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है आज के सेशंस में। गाइस, इससे पहले एक चीज़ आपको बोल दूं, गाइस 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमें मेरे, और इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। आपको इसका क्रेडिट जाता है गाइस पूरे तरीके से। सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से ही मैंने पहला जो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट किया है, और आगे भी मैं मेहनत करूंगी और आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे की इस जर्नी को कंप्लीट कर सकूं और बहुत आगे हम लोग जाएं और अच्छा करें। ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे आगे आने वाली जनरेशन को भी इसका बेनिफिट होने वाला है, जो आगे लोग तैयारी करेंगे जैसे भी रहेगा। तो गाइज़ प्लीज़ हेल्प, अपना प्यार और अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिएगा, और मैं भी वादा करती हूँ कि बिल्कुल मेहनत आपके लिए करूँगी, अच्छे से अच्छी चीज़ें को देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, और अगर नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से चैनल को, और उसके बाद आगे स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और गाइस लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाना है, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए तभी क्लास स्टार्ट करिएगा, वरना फिर आप लोग भूल जाते हैं गाइस। चलिए ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पोम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन अ स्टोरी ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। तो ओविड ने अपनी मेटामॉर्फोसिस नाम के वर्क में एक स्टोरी दी है, तो ये जो शेक्सपियर हैं उन्होंने उस पर बेस्ड एक पोएम लिखी है, तो उस पोएम का नाम आपको बताना है। वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिएंडर, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, द पैसनेट पिलग्रिम। तो यहाँ पे बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा। तो गाइस इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा वीनस एंड एडोनिस ही होगा। ये क्या हो गया गाइस, आई थिंक ये बहुत बड़ा हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड गाइस, हम ब्रश ले लेते हैं, इसका हम साइज़ ले लेते हैं एक बार, है ना, छोटा सा कम साइज़ करेंगे थोड़ा इसका। हाँ अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। तो गाइस ये था हमारा वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिएंडर आपका उस शेक्सपियर का नहीं है, ये क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम है, वर्क है जो भी है। ठीक है, सिडनी का एस्ट्रोपल स्टेला जो है वो सिडनी का है, और द पैसनेट पिलग्रिम शेक्सपियर का ही है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं, वट काइंड ऑफ कैरेक्टर जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्लेस। जनरल जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनमें किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं जो सिंगिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करता है। किंग एंड क्वींस, सर्वेंट्स, क्लॉन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस, या फिर फेरीज, या फिर नॉबलमैन, किसको यहाँ पे सिंगिंग करते हुए पाया जाता है। तो गाइस बता दीजिए इसका आंसर, और इसका आंसर होगा सीधा बी पे हम लोग जाएंगे, यानी कि सर्वेंट्स, क्लॉन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर विद लो स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन लव्स लेबर लॉस्ट ओवर यूजेस फर्म, ये क्या है गाइज, एक सेकेंड, ये शायद कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये फर्मल तो नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ ये होना चाहिए आपका गाइज फॉर्मल, है ना, फॉर्मल है मेरे हिसाब से ये। ओके एक सेकेंड, मैं इसको जरा यहाँ पे ओ कर देती हूँ। ठीक है, ओ समझिएगा आप इसको, आई को। ठीक है ये गाइज, ये हाँ तो फॉर्मल है। ठीक है, आप सुन रहे हैं ना अच्छे से, तो फॉर्मल है ये। और देखिए फॉर्मल का जो फॉर्मल लैटिनेट डिक्शन को यहाँ पे किन कैरेक्टर में से किसने यूज़ किया है लव सिलेबस लॉस्ट में, तो ये देखिए ये करेक्टर भी आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे कैरेक्टर लव सिलेबस लॉस्ट के हैं। यहाँ पे कौन कौन कैरेक्टर है, हॉलोफर्नेस है, डल है, कोस्टर्ड है और मोथ है, ये सारे कैरेक्टर के नेम आपको याद रखने हैं, क्योंकि गाइस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेज के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका बनता है हॉलोफर्नेस, राइट। तो यहाँ पे जो ये हमारा लव सिलेबस लॉस्ट है गाइस, ये शेक्सपियर की क्या है, एक मास्टरपीस है शेक्सपियर का, लैटिन डिक्शन की बात इसी में होती है, और कौन करता है, होलोफर्नेस, और ये एक अर्ली कॉमेडी है। क्या है, अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछा जाता है
कि अर्ली कॉमेडी कौन है शेक्सपियर की, फार्स क्या है शेक्सपियर का, और भी बहुत चीज़ें इनके वर्क से पूछी जाती हैं। तो इन विच प्ले अदर देन जूलियस सीजर हैज शेक्सपियर डिपेक्टेड द रोमन्स बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्व्स हैव डन। तो यहाँ किस प्ले के अंदर, जूलियस सीजर में, इन विच, जूलियस सीजर से अलग है ना, हैज शेक्सपियर डिपिक्ट किया है, लिखा डिपिक्ट किया है शेक्सपियर ने रोमन्स बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्व है, मतलब रोमन्स उससे कहीं ज़्यादा बेटर थे जितना कि रोमन राइटर्स ने उनको लिखा है। तो ये बात कहाँ पर होती है, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा को, कॉरियोलेंस को लेकर, रोमियो एंड जूलियट, या फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो यहाँ आपको इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉरियोलेनस गाइज, कॉरियोलेनस, क्योंकि रोमन प्ले में कौन कौन से आते हैं, कॉरियोलेनस है, जूलियस सीजर है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, ये हमारे तीन रोमन अगर पूछ लिया जाए, और पूछ लिया जाता है गाइज, बिल्कुल इनको इग्नोर नहीं करना है कि रोमांटिक प्लेज कौन से हैं, अर्ली कॉमेडीज कौन सी है, और प्रॉब्लम प्लेज कौन से हैं, इस टाइप से है ना, सारी चीज़ें शेक्सपियर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉरियोलेनस की, और कॉरियोलेनस क्या है, एक रोमन प्ले है, इसके अलावा जूलियस सीजर भी रोमन प्ले है, और एक एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा नाम का जो आपका प्ले है वो भी हमारा इसी की श्रेणी में आता है। चलिए कोरियोलेनस की बात की है हमने, एक सेकंड मैं जरा ये भी बता दूं कि ये कब आया था, कोरियोलेनस की बात हमने की है ना, एक सेकंड गाइस, तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा और जानकारी दे देती हूँ आपको, ज्यादा जानकारी दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये आया था हमारा 1605 से 6 के बीच, ठीक है, इसके 8 के बीच, 1605 से 1608 का, क्योंकि फिक्स टाइमिंग नहीं है किसी भी प्ले की, विलियम शेक्सपियर के फिक्स है, थोड़ा सा आइडिया लिया जाता है कि कब से कब तक, तो 5 से अभी का ये माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्या हो रहा है यार, ये 5 को ला रही हूँ तो 6 आ रहा है। हाँ, करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इस वर्ड्स का आपको मीनिंग बताना है, लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ लाइट, लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ स्पिरिट, या फिर लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ स्टेबिलिटी, कौन सा यहाँ पे इसका आंसर बनता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, यही इसका आंसर बनता है गाइज, यानी ठीक है, बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। और ये जो लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो है, ये किसका है, ये आपके कहाँ पर मिलता है गाइज, ये मैकबेथ की लाइन है, ठीक है, मैं बता दूँ आपको, जो कि बिग ट्रेजेडी में से एक है, मेजर ट्रेजेडी मानी जाती है मैकबेथ। तो मैकबेथ का ये जो है, और ये कहाँ पर है, एक्ट 5 और सीन 5 की बात हुई है यहाँ पर, सीन 5, एक्ट 5 सीन 5 में ये लाइन पूछ ली जाती है, क्योंकि इसमें एक आगे एक लाइन है साउंड एंड फ्यूरी नाम का भी एक दो फ्रेज आती है इसके अंदर, तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट में है और कौन से सीन में है, ठीक है। और मैकबेथ की बात करें तो हुकम, यानी कि मैकबेथ हुकम, ठीक है, मैकबेथ आता है सबसे लास्ट में, यानी कि 1606 के टाइम पीरियड की ये बात मानी जाती है, 1606 इसका टाइम पीरियड है, या फिर 1605 मान लीजिए, ठीक है, 5 या 6 मानते हैं इसको। चलिए मैच द लिस्ट, इस लिस्ट को आपको मैच करना है, 1798 द ग्रेट ट्रेडिशन, 16 ये मतलब कौन सा वर्क किस टाइम पीरियड में आया था ये बताना है आपने। तो गाइज यहाँ बात करें अगर हम, तो ये माना जाता है आपका टाइम जो आपका ये 1798 की बात करें तो लिरिकल बैलेड से हम इसको मैच करेंगे, आप सबको पता होगा ये, है ना, सबको पता होगा गाइज। और अगर हम लोग 1865 की बात करें तो इसमें आया था फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब 1924 की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, यानी कि 2 पे जाएंगे, और बच गया अब हमारा 1948 में तो द ग्रेट ट्रेडिशन की बात करेंगे। तो गाइज ये लिरिकल बैलेड है जो कि कलेक्शन था 23 पोएम्स का, सबसे पहले 1798 में पब्लिश हुआ था, अगर लिरिकल बैलेड थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके बारे में इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ जो बात कर लेते हैं लिरिकल बैलेड की, 1798 में आया था, एसटी कॉलेज और विलियम शेक्सपियर ने मिलकर के इसको पब्लिश कराया था, ठीक है, और सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, और 1800 में अमेरिका में फर्स्ट एडिशन आया था, याद रखना, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिका में कब आया था फर्स्ट एडिशन, तो वहाँ पर आप 1800 करेंगे, ना कि 1898, ठीक है। चलिए
वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी होल्ड द व्यू दैट सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट। जो वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी पोयम है उसमें क्या व्यू नज़र आती है हमको कि सोल इज एन सोल जो है आत्मा जो है नॉन एग्जिस्टेंट है, चाइल्डहुड इज इमोर्टल है, सोल इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड, या फिर वैन वी ग्रो ओल्डर वी डोंट फॉरगेट अवर एक्सपीरियंस ऑफ हेवन। तो यहाँ देखिए सोल इज नॉन एग्जिस्टेंस, ये भी गलत है। चाइल्डहुड इमोर्टल है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बड़े होते रहते हैं, इमोर्टल नहीं होता कुछ भी। सोल लिव्स इन हेवन, ये यहाँ पे इस पोयम के अकॉर्डिंग जो सही माना जाता है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए। लेट नेचर बी योर टीचर, बहुत फेमस लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए गाइस, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। कहाँ पर ओकर्स होती है ये बताना है, तो ये सीधा आंसर पे जाते हैं। टेबल स्टंट की लाइन है, जो कि कब आई थी, ये हमारे लिरिकल बैलेड में ही आई थी, जो टेबल स्टंट की हम लोग बात करें। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत, सॉरी हाँ, लिरिकल बैलेड में ही आई थी शायद टेबल स्टंट, चलिए हाँ 1798 में आई थी गाइस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर्स अ पोएट एज अ मैन ऑफ स्पीकिंग टू मैन, तो कौन सा ऐसा क्रिटिक है जिसने पोएट को अ मैन स्पीकिंग टू मैन बोला है, है ना, एक आदमी जो आदमी से बात करे, पोएट को ऐसा होना चाहिए। तो ये किसने कहा है, सर फिलिप सिडनी ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, टीएस एलियट ने, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने, किसने कही है ये बात? तो यहाँ जानकारी लें अगर हम गाइस, तो हमारा आंसर बनता है विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही साधारण क्या है अपनी पोएट्री के अंदर, बहुत रस्टिक लाइफ की बात की है ना, नॉर्मल लोगों के जीवन की बात की है बहुत ज़्यादा वो, और नेचर के वो बिल्कुल नज़दीक रहे हैं ऑलवेज। चलिए, इसीलिए नेचर पोएट कहा है थॉमस डे क्विंसी ने उनको। हु कॉइन्स द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी नाम का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो गाइज ये हमारा सबको पता होगा, बच्चे को पता है, जॉन कीट्स इसके जो हैं वो कॉइन किया है इन्होंने। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, आपको ये सारे के सारे वर्क देख लीजिए किसके हैं, ऑड टू नाइटिंगल जॉन कीट्स की है, ऑड टू इंडोलेंट जॉन कीट्स की है, ऑड टू ऑटम बी और ऑड टू ग्रेसियन एनमी, सारी की सारी पोइम्स में जॉन कीट्स की हैं, लेकिन आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकली दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप ये बता दीजिए फटाफट से गाइस। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम 1819 में इनकी 6 ऑड आई थी, ठीक है, 6 ऑड आई थी, तो ये सारी की सारी आई थी तभी की हैं, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डर माना जाता है गाइस, मेरे हिसाब से होना चाहिए आपका क्या ऑर्डर होना चाहिए, ये सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑड टू ग्रेसियन अर्न। ठीक है, ऑड टू ग्रेसियन अर्न ये आई थिंक आई थी, ये हो जाएगा आपका सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, फिर आएगा आपका ये सेकेंड पे आना चाहिए, यानी के ओड टू इंडोलेंस ये 2 नंबर पे आना चाहिए, फिर आना चाहिए आपका फिर आना चाहिए गाइज, देख लेती हूँ मैं, सेकेंड नंबर पे हो गया हमारा। ठीक है, फिर आना चाहिए आपका ओके ये आना चाहिए ओड टू नाइटिंगल आना चाहिए 3 पे, और फिर लास्ट में सबसे होना चाहिए हमारे पास में ये जो है हमारा ऑड टू ऑटम। ठीक है, इस तरीके से आप इनको क्रोनोलॉजिकली लगा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 राइट। चलिए, ये आई थी सभी एक ही ईयर में, सारी की सारी 1819 में आई थी, लेकिन आगे पीछे की बात की जा रही है तो उस हिसाब से सबसे पहले आप देख लेना, ओड टू ग्रेसियन अर्न आई थी, इसके बाद ओड टू इंडोलेंस आई थी, फिर हमारी ओड टू नाइटिंगल आई थी, और उसके बाद ओड टू ऑटम आई थी। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। इफ़ अ स्पैरो कम्स बिफोर माई विंडो आई टेक पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट द ग्रेवल, तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है, किसकी पोएट्री के अंदर मिलती है? तो गाइज ये कहा है हमारे जॉन कीट्स साहब ने, और इन्हीं के ये जो है लाइन है वो। नेक्स्ट, देयर इज अ स्ट्रेंज यूनियन ऑफ चेंज एंड ऑटम विच कीट्स हिमसेल्फ टर्म्ड एज,
इस लाइन में वो जो है अपने आप को क्या कह, ओट टू ऑटम में वो अपने आप को क्या कहना चाहते हैं। देयर इज अ स्ट्रेंथ यूनियन ऑफ चेंज एंड स्टेसिस इन, ठीक है, स्टेसिस इन है यहाँ पर गाइज। तो कौन सी टर्म में वो अपने अपने आप को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ गाइज आपका स्टेशनिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टेशनिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या बनता है, जो ओड टू ऑटम आई थी, ये जो इनकी पोयम है उसी की ये लाइन है। तो ओड टू ऑटम जो आई थी वो 1819 में आई थी, तो इसमें क्या था, जो इन्होंने क्या किया है, अपने आप को एक ऐसे पोएट के रूप में रखा है जो ऑटम को एक ऐसे पीरियड के रूप में रखता है जहाँ पे बहुत सैडनेस है, पीरियड ऑफ सैडनेस के रूप में रखता है, और उसके बाद हैप्पीनेस आती है, उसको वो स्प्रिंग कहता है। इसके बाद गाइज धीरे धीरे चीज़ें आती रहती हैं, फिर सैडनेस, फिर हैप्पीनेस। ओके, आइडेंटिफाई एलिस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन। लैम के ड्रीम चिल्ड्रन में एलन जो एलिस है, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कोल बर्ट्रम फादर, जो एलिस के बच्चे थे वो बर्ट्रम को फादर कहते थे। तो ये यहाँ पर जो एलिस है ये कौन है, चार्ल्स लैम की सिस्टर है, एलिस इन वंडरलैंड है, चार्ल्स लैम्स बिलव्ड वाइफ है, या फिर चार्ल्स लैम्स बिलव्ड होम ही कुडंट मैरी, ठीक है गाइज। यहाँ सी ऑप्शन तो सरासर गलत है, क्योंकि चार्ल्स लैम की कभी मैरिज नहीं हुई थी, इनकी कभी मैरिज नहीं हुई थी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला है ये सही है, एक लड़की से वो प्यार करते थे बट शादी नहीं हो पाई थी इनकी, तो उसी को यहाँ पे एलिस कहा गया। वो ड्रीम चिल्ड्रन में खुद की शादी देखते हैं, खुद के बच्चे देखते हैं, तो वहाँ पे एलिस को वो क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे वो जिससे शादी नहीं कर पाए थे। वेयर इन चार्ल्स लैम्स ऐसे फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियली, सबसे पहले इनके ऐसे जो थे वो सीरियली कब पब्लिश हुए, लेवेंडर मैगजीन, ब्लैकवुड मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली मैगजीन, किस में हुए थे, तो यहाँ पे जो शी ऑप्शन है वो सही माना जाता है, यानी कि लंदन मैगजीन। हु कॉल्ड किड्स इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेनॉन, किड्स को इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेनॉन किसने कहा था, तो गाइज ये सीधा शेली ने कहा था, ज़्यादा आगे हम नहीं जाते हैं इसमें, ठीक है। Which of the following poem is written in Tales of Rima? इनमें से कौन सी poem Tales of Rima में लिखी गई है? Ode to the West Wind, Ode to Nightingale, Solitary, या फिर कौन सी poem यहाँ पर लिखी गई है इस तरीके से, ये आपको। तो गाइज यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, और Tales of Rima में Ode to West Wind लिखी गई है, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारी ओड टू वेस्ट विंड है, यानी कि ए ऑप्शन है, वही राइट है, टेल्स ऑफ रिमा में ये लिखी गई है, और कब लिखी गई है, 1920 में, ठीक है, 1920 में आई थी ये ओड टू वेस्ट विंड, इसको याद रखना है आपने। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोइटिक ड्रामा बाय सेली, सेली के द्वारा कौन सा पोइटिक ड्रामा है इनमें से, क्वीन मैब है, प्रोमेडियस अनबाउंड है, एडोनिस है, या फिर अलास्टर है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग प्रोमेडियस अनबाउंड की, यानी कि बी ऑप्शन पे जाएंगे, इनका ये लिरिकल पोएटिक ड्रामा है, या फिर लिरिकल ड्रामा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कब आया था, ये भी 1820 में आया था, और टू वेस्ट विंड भी, और ये जो हमारा प्रोमेडियस अनबाउंड है ये भी इसी टाइम में आया था। ओह लिफ्ट मी एज अ वेव आ लीफ अ क्लाउड आई हैव फॉलन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इस पे ध्यान देना आप लोग। आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड, तो है वो कैसी लाइफ की बात कर रहा है, हैप्पी लाइफ की बात कर रहा है, माई मिजरेबल लाइफ की बात कर रहा है, आ सिटी लाइफ की, या फिर रोमांटिक लाइफ की, कैसी लाइफ की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे बी ऑप्शन पे, यानी कि मिजरेबल लाइफ की बात यहाँ पे हो रही है इस लाइन में, ठीक है। और ये है कहाँ का ये बता दीजिए, ये गाइज वेस्ट विंड की लाइन है, अभी बताया मैंने जो आपको, वेस्ट विंड और टू वेस्ट विंड की लाइन है ये, याद रखना इसको अगर पूछ लिया जाए, जो कि टेल्स ऑफ रिमा में लिखी गई है, राइट। चलिए
शैली को एक रिवॉल्यूशनरी पोएट भी कहा जाता है। शोविंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड, गाइज ये किसी ना किसी एग्जाम में आया है, इसको आपको याद रखना है। शोविंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय, रेस्पेक्ट शो करना कौन से वर्ड के द्वारा इसको बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है, रेस्पेक्टेबल होना चाहिए। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ना वही आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, याद रखना। यहाँ पर आप नहीं जान पाएंगे इजीली कि कौन सा सही होगा इनमें से, जिसने बहुत अच्छे से कर रखा होगा वही इसको कर पाएगा। तो रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, रेस्पेक्टिव या फिर रिसेप्शन होना चाहिए। तो यहाँ बात करेंगे गाइज रेस्पेक्टफुल यानी कि शोविंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट दिखाने को हम कहते हैं रेस्पेक्टफुल। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नॉन एज, कोई भी फॉल्स आइडिया या इमेज जो सपनों में देख रहे हैं, जिसको केवल हम इमेजिन कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? अल्यूजन होता है, भ्रम, एक तरीके से भ्रम समझ लीजिए, है ना। कोई भी फॉल्स, जैसे भूत देख लेते हैं हम लोग, तो वो क्या है? फॉल्स आइडिया या इमेज है जिसको हम जानते नहीं हैं जिसके बारे में। तो अल्यूजन है, इमेजरी है, इल्यूजन है या फिर नॉन है इनमें से। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, यानी कि ऐसी चीज़ को हम अल्यूजन कहते हैं। विच इज़ करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग एड्रेस की करेक्ट है, ध्यान से देख लीजिए और बताइए मुझे कि कौन सी करेक्ट है। तो ये जो ए ऑप्शन है गाइस ये ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए 101%, कहीं पे भी अटक सकता है ये। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एनोटेशन होता है, कॉनोटेशन होता है, डिनोटेशन होता है, फिर डिस्क्रिप्शन होता है। क्या कहते हैं हम लोग एक किसी भी वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग को? तो यहाँ गाइज हो जाएगा आपका डिनोटेशन, ठीक है, डिनोटेशन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि डिनोटेशन, और इसका मतलब होता है इंडिकेशन होता है, डिजाइनेशन होता है या फिर मीनिंग ऑफ अ टर्म होता है, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन है। एलिप्सिस रेफर्स टू, एलिप्सिस किसको रेफर करता है? ओमिशन ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स या फिर नन? ओमिशन ऑफ वर्ड्स को हम एलिप्सिस कहते हैं गाइस, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एलिप्सिस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ लीविंग आउट अ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस से हम डिलिबरेटली किसी भी वर्ड को अगर निकाल देते हैं या फिर लीव कर देते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे हमें मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होता है ना, उसको निकाले बिना मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होता है, तो वहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं। जबकि जैसे हम खुद भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो कोई ऐसा वर्ड आता है जो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम छोड़ करके सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको सेंटेंस समझ में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एलिप्सिस कहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है गाइज आज का, यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, ब्लंटनेस को अवॉइड करने के लिए हम किसी भी वर्ड को सॉफ्ट साउंडिंग बनाने के लिए और जो ब्लंटनेस है उसको अवॉइड करने के लिए क्या कहते हैं उसको? यूफेमिज्म, यूफिज्म या फिर एजोनेंस या फिर रिजोनेंस? तो यहाँ जो ऑप्शन ए होगा, यूफेमिज्म हमारा सही बन जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन गाइज लास्ट जो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है गाइज इनमें से जो है कौन सा पीबी शैली के द्वारा नहीं लिखा गया है वर्क, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ कौन सा वर्क इनमें से पीबी शैली ने नहीं लिखा है, ये बताना है आपको। एक तो मेंडियास, ओजीमेंडियास, ठीक है, एक है क्रिस्टा बेल, ठीक है, एक है वेस्टविंड, ओड टू वेस्टविंड, ठीक है, और एक बनता है हमारा, चलिए मैं लिख देती हूँ, टू आ स्काई लार्क, टू आ स्काई लार्क। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्क शैली ने नहीं लिखा है। देखिए, टू द स्काई लार्क, टू आ स्काई लार्क, ठीक है, ओजीमेंडियास, क्रिस्टाबेल और एक है हमारा वेस्टविंड। तो ये इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शैली ने नहीं लिखा है, राइट। तो चलिए गाइस यहीं तक का सफ़र था हमारा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।